रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को स्त्री के 7 अवगुण बताए थे, यानी ऐसी भविष्यवाणी की थी कि स्त्रियों में ये गुण स्वतः रूप से पाए जाते हैं, जो कि कलयुग में ये सभी गुण स्त्रियों में देखने को मिलेंगे और आज के काल में ये सारे गुण देख भी सकते हैं। लंकापति रावण रामायण का एक विशेष पात्र है तथा वो महादेव भगवान शिव के प्रमुख भक्तों में से एक कहलाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बताया गया है कि रावण में अनेकों बुराइयों के साथ साथ बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां भी थी। रावण महाज्ञानी एवं विद्वान था तथा अनेकों शास्त्रों ग्रंथों तथा विद्या का ज्ञाता भी था। और अगर उसकी बुराइयों की बात करें तो अहंकार के साथ साथ वो स्त्रियों की ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता था। उसे स्त्रियों की सुंदरता मोहित कर जाती थी। रावण किसी भी स्त्री की सुंदरता देख उसे अपना बनाना चाहता था। जब भगवान श्री राम वानरों के सहयोग से विशाल सागर पार कर लंका पहुंचे तो ये सूचना पाकर रावण की पत्नी मंदोदरी भी भयभीत हो गई और रावण को समझाया कि माता सीता को प्रभु श्री राम के पास वापस कर दे तथा उनसे क्षमा याचना करें। परंतु मंदोदरी की बात सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगा और उसने मंदोदरी से भविष्य में स्त्रियों के 7 गुणों का वर्णन करते हुए कहा, जो कि आगे चलकर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है अत्यधिक साहस। महिला पुरुषों की तुलना में अत्यधिक साहसी होती है, जिसके चलते हुए कई बार ऐसा काम कर जाती है जिससे उनके परिवार और सगे संबंधियों को पछताना पड़े। स्त्रियां यह निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का किस जगह और किस पर सही उपयोग करना चाहिए। जब साहस का अत्यधिक प्रयोग किया जाए तो वो दुस्साहस बन जाता है। ये गुण स्त्रियों में पाए जाएंगे। इसके बाद स्त्रियों के गुणों का वर्णन करते हुए रावण दूसरा अवगुण मंदोदरी को बताते हैं, झूठ बोलना। स्त्रियां अक्सर बात बात पर झूठ बोलती है, यही कारण उनके लिए परेशानियों का सबक बन जाता है। स्त्रियों को एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आखिर कब तक झूठ छुपाया जा सकता है, क्योंकि झूठ ज्यादा समय तक छुपाया जा नहीं सकता और जब ये सामने आता है तो बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद रावण ने मंदोदरी को तीसरी बात बताता है, चंचलता। स्त्रियों में एक और अवगुण है। रावण कहता है, स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की तुलना में अत्यधिक देखा गया है, जिस कारण स्त्रियां एक बात पर ज्यादा समय तक नहीं टिकी रह सकती। यही कारण है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचार पर परिवर्तन देखने को मिलता है तथा स्त्रियों के सामने अनेकों परिस्थिति ऐसी आती है कि वो अपने चंचलता के कारण सही निर्णय नहीं ले पाती, जो कि उन्हें परेशानियों में डाल देती है। इसके बाद रावण मंदोदरी को स्त्रियों के चौथे अवगुण बताते हुए कहते हैं, माया रचना। स्त्रियां कई बार अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए माया की रचना करती है। अपना काम निकलवाने के लिए स्त्रियां व्यक्ति को कई प्रकार के प्रलोभन देती है, जैसे रूठना मनाना, ये सभी माया ही है। यदि कोई इस माया जाल में फंस जाता है तो वो स्त्रियों के वशीभूत हो जाता है। रावण आगे मंदोदरी से कहता है, तू भी अपना कला दिखाने के लिए मुझे अपने माया जाल में फंसा रही है, ताकि मैं तेरी बातों में फंसकर राम का दास बन जाऊं। इसके बाद 5वें नंबर पर रावण बताता है, डरपोक होना। इसलिए कई बार बिना किसी कारण के अनावश्यक बहुत ज्यादा डर जाती है महिला। इसकी वजह से उनके कई काम बिगड़ते हैं। वास्तव में स्त्रियां बाहर से शांत दिखाई देती है परंतु अंदर से भयभीत और डरी हुई होती है। इसके बाद नंबर 6 पर रावण मंदोदरी को बताता है कि कई बार स्त्रियां अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम देती है। स्त्रियों को अत्यधिक साहस और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की जिद में वह कुछ ऐसा काम कर देती है जिनसे उन्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसके बाद 7वें नंबर पर रावण मंदोदरी को कहता है, अगर स्त्री किसी से किसी वजह से निर्दय हो गई तो वहां कभी दया नहीं करती है।
ये कुल 7 ऐसे अवगुण स्त्रियों के हैं जो कि आज के युग अर्थात कलयुग के समय में बहुत ज्यादा तौर पर महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है। त्रेता युग में रावण की ये कही हुई बात कहीं ना कहीं इस युग में सच्चाई में तब्दील हो चुकी है। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले के वीडियो में। जय श्री कृष्णा।